तो हेलो फ्रेंड्स हमारे चैनल, आज हम लोग मीपी का डुओपॉड F70 का फुल रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने इस ईयरफोन को फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया है। तो चलिए सबसे पहले इस बॉक्स को हम लोग अनबॉक्स करके देख लेते हैं। तो फ्लिपकार्ट के इस बॉक्स के अंदर एक बिल और यहाँ पर जो मीपी का डुओपॉड F70 का बॉक्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए इस बॉक्स के ऊपर एक रैपर दिया हुआ है, उस रैपर को अनबॉक्स करके देख लेते हैं। ये रहा मीपी डुओपॉड F70 का बॉक्स। तो यहाँ पर मैंने जो ऑर्डर किया है ये ब्लू कलर मैंने ऑर्डर किया है, और भी तीन कलर आपको मिल जाएगा, टोटल चार कलर आपको अवेलेबल मिल जाएगा फ्लिपकार्ट में। फ्रंट साइड में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मीपी का बैंडिंग दिया हुआ है, और मैंने ब्लू कलर ऑर्डर किया है तो यहाँ पर ब्लू कलर का ईयरबड्स यहाँ पर दिया हुआ है, और ठीक नीचे यहाँ पर डुओपॉड्स ENC F70 लिखा हुआ है। तो इसमें एनवायरमेंटल नॉइज़ कैंसलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, और ये मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट है। तो आप मेड इन इंडिया का कोई भी ईयरबड्स आप लेना चाहते हैं तो ये मीपी कंपनी का ईयरबड्स आप ले सकते हैं। और ठीक बॉक्स की पिछली साइड में यहाँ पर कुछ हाईलाइट फीचर्स यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और इसका ठीक नीचे यहाँ पर जो MRP लिखा हुआ है, यहाँ पर 2999 यहाँ पर लिखा हुआ है, मगर इससे बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। मैंने जब ये ऑर्डर किया है तब 999 में मुझे मिल गया है। तो अभी कितना प्राइस में ये मिल रहा है, ऑनलाइन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग प्राइस देख सकते हैं, यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट में प्राइस लिखा हुआ है 1499 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए अभी इस बॉक्स को अनबॉक्स करके देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक वेलकम कार्ड यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर वारंटी कार्ड आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप वारंटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल आपको मिल जाएगा, तो ये डिवाइस कैसे यूज़ करना है यहाँ पर डिटेल्स में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कैसे यूज़ करना है और कहाँ पर क्या क्या है वो सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी जो मेन जो डिवाइस है, तो यहाँ पर ऊपर साइड में एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पर देखिए, तो इस बॉक्स में क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर दो दो करके चार यहाँ पर सिलिकॉन बार्स यहाँ पर दिया हुआ है, तो दो बड़ा साइज़ और दो छोटा साइज़, और मीडियम जो साइज़ है वो आपके जो ईयर बार्स है वहाँ पर लगा हुआ है। तो और क्या है आप लोग देख लीजिए, तो यहाँ पर एक USB-C टाइप का केबल दिया हुआ है, तो चार्जिंग केबल का क्वालिटी यहाँ पर ठीक ठाक ही है। और ये रहा ब्लू कलर में डुओपॉड्स F70। तो यहाँ पर डिज़ाइन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मीपी का ब्रांडिंग दिया हुआ है ऊपर साइड में, और इसे ठीक नीचे यहाँ पर चार LED इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। तो इस चार्जिंग केस में कितना चार्ज है यहाँ पर LED इंडिकेटर करता है, और पीछे की साइड में यहाँ पर कुछ नहीं है, और नीचे की साइड में यहाँ पर USB Type-C पोर्ट यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होता है, तो एक घंटा चार्ज करने से ये फुल चार्ज होता है। तो इस चार्जिंग केस में 500 mAh बैटरी यहाँ पर दिया हुआ है, तो 70% वॉल्यूम से 50 आवर्स प्लेबैक टाइम आपको मिल जाएगा। और इसका जो साइज़ है ये ठीक ठाक ही है, आप इजीली कैरी कर सकते हैं, पॉकेट में ले सकते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर हाथ में आ रहा है। तो और ऊपर की जो कैप है आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये भी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर दिया हुआ है, मगर कुछ देर यूज़ करने के बाद ये कैसा होता है वो देखना पड़ेगा। तो अभी तो ठीक ठाक ही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अभी यहाँ पर जो ईयरबड्स है वो हम लोग चेक करके देख लेंगे। ईयरबड्स इस चार्जिंग केस से निकलने के बाद ही ये ऑन हो जाता है और पेयर होने के लिए रेडी भी हो जाता है। तो ऐसे डिज़ाइन में आपको ईयरबड्स आपको मिल जाएगा। तो ऊपर साइड में यहाँ पर जो मल्टीफंक्शन बटन है यहाँ पर ही LED इंडिकेटर दिया हुआ है, और नीचे की साइड में यहाँ पर ऐसे डिज़ाइन में आपको मिल जाएगा, तो आप अच्छी तरह से देख लीजिए। इसमें ब्लूटूथ वर्शन 5.1 दिया गया है, तो 1000 प्राइस में ये ठीक है। अभी जो ऑनलाइन में जो प्राइस है तो उस प्राइस में 5.2 होता तो अच्छा होता, फिर भी कनेक्टिविटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। और इसका जो वायरलेस रेंज है ये 10 मीटर है। और इस ईयरबड्स के ठीक नीचे की साइड में यहाँ पर माइक्रोफोन दिया गया है, और यहाँ पर दोनों में ही माइक्रोफोन दिया गया है, और यहाँ पर मैग्नेटिक चार्जिंग पोर्ट भी है। तो अभी ईयर में लेने के बाद कैसे फिटिंग होता है वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। तो काफ़ी सही फिटिंग है, आप लॉन्ग टाइम के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। आप जिम वगैरह करना चाहते हैं तो ये ला के आप जिम वगैरह भी कर सकते हैं, साइड का कोई नॉइज़ वगैरह नहीं आएगा। इसमें ENC दिया गया है, तो इस जो बेटर क्वालिटी का कॉलिंग भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो माइक्रोफोन दिया गया है तो इसका माइक क्वालिटी कैसा है वो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, और इसका जो साउंड क्वालिटी वो भी कैसा है वो भी हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसका माइक क्वालिटी हम लोग चेक करके देख लेते हैं।
तो फ्रेंड अभी जो बात हो रहा है ये मी वी डुओ पोड F70 से बात हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये मी वी डुओ पोड F70 है। तो इसका वॉइस आप लोग यहाँ सुन सकते हैं, इसका माइक क्वालिटी कैसा है। तो जो भी है इसका जो आप गाना वगैरह सुनना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, और आप यहाँ पर जो बात सुन रहे हैं ये भी क्लियर आपको सुनाई दे रहा है। तो इसका नॉइज़ कंसेप्शन कैसा है वो उसके लिए मैं और एक वीडियो तैयार करेंगे, तो उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा इसका नॉइज़ कंसेप्शन कैसा है। तो अभी इस मी वी डुओ पोड F70 का साउंड क्वालिटी कैसा है हम लोग चेक करेंगे। तो इसमें 13 mm ड्राइवर दिया गया है इसलिए इसका साउंड क्वालिटी अच्छा होगा। तो चलिए अभी इसका साउंड क्वालिटी चेक करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड इसका जो साउंड क्वालिटी है ये मुझे ठीक ठाक ही लगा, तो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। और आपके पास ये ईयरफोन है और कोई भी दिक्कत हो रहा है तो भी नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, तो आपके कमेंट से मेरे सारा फ्रेंड को भी हेल्प हो जाएगा। तो अभी इस डिवाइस को कैसे यूज़ करना है वो आप लोग यहाँ जान लीजिए। तो यहाँ पर जो मल्टीपोजिशन बटन दिया गया है और यहाँ पर जो LED इंडिकेटर है यहाँ पर ही दिया गया है, तो यहाँ पर ऑन टास्क करने से आपके म्यूज़िक चालू हो जाएगा और ऑन टास्क करने से पॉज भी हो जाएगा, और आपके कोई भी कॉल आ रहा है तो आपको रिसीव करना है तो ऑन टास्क करने से ये रिसीव हो जाएगा, और एक बार टास्क करने से ये डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट और प्रीव्यू करने के लिए राइट जो मोटिवेशन बटन है ईयरबड्स में वहाँ पर आपको डबल टैप करना है तो नेक्स्ट हो जाएगा, और प्रीवियस करना है तो लेफ्ट वाला जो ईयरबड्स है मोटिवेशन बटन में वहाँ पर डबल टैप करने से PBS हो जाएगा। और आपको वॉइस असिस्टेंस ऑन करना है तो लेफ्ट और राइट दोनों के एक ईयरबड्स में आप 3 बार टच कीजिए मल्टीपोजिशन बटन में तो वॉइस असिस्टेंस ऑन हो जाएगा। और आपको वॉल्यूम डिक्रीज और इंक्रीज करना है तो लेफ्ट वाला जो ईयरबड्स है वहाँ पर मल्टीपोजिशन बटन में आप प्रेस और होल्ड करके रखिए तो आपके वॉल्यूम डिक्रीज होने लगेगा, और राइट वाला जो ईयरबड्स है वहाँ पर मल्टीपोजिशन बटन में आप प्रेस और होल्ड करके रखिए तो आपके वॉल्यूम इंक्रीज होने लगेगा। तो ऐसे करके आपके ईयरबड्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये सेम प्रोडक्ट अमेजोन में भी मिल रहा है, तो अमेजोन में डुओ पोड A550 नाम लिखा आपको मिलेगा, और यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट में मिल रहा है ये F70 का नाम में आपको मिल रहा है। तो अमेजोन फ्लिपकार्ट का दोनों लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप लोग प्राइस देख सकते हैं और उस लिंक से आप ले भी सकते हैं। और भी जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर एक बार चेक कर लीजिए। तो अभी के लिए भी इतना ही, तो थैंक्स ये छोटा सा वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छे से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब बेल आइकन दबा दीजिए।